हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिज क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री लेसन नंबर 9, द मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल पे आपको 7th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री, सिविक्स, साइंस और मैथ्स की भी वीडियो मिलेंगी। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, द मराठास फॉट विद ग्रेट वैल्योर विद द मुगल्स अंडर द लीडरशिप ऑफ छत्रपति संभाजी महाराज। तो देखिए, जब छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ हो चुकी थी तो उनके बाद उनके जो बेटे थे छत्रपति संभाजी महाराज, उनके लीडरशिप में हमारे जो सारे मराठास थे उन्होंने मुगल्स के खिलाफ क्या किया था, यहाँ पे जो युद्ध था उन्होंने शुरू किया था। छत्रपति राजाराम महाराज एंड महारानी ताराबाई टू प्रोटेक्ट द स्वराज, और उनके साथ साथ संभाजी महाराज के साथ साथ ही छत्रपति राजाराम जो उनके छोटे बेटे थे और उसके बाद महारानी ताराबाई, इन्होंने भी स्वराज को प्रोटेक्ट किया था। दिस लॉन्ग वॉर दैट लास्टेड फॉर 27 ईयर्स इज कॉल्ड द मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये जो उनका वॉर चला था ये 27 ईयर्स तक चला था, जिसे मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है कि मराठा ने जो युद्ध किया था अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए, इसीलिए उसे नाम दिया गया था मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इन 1682 CE एम्परर औरंगजेब हिमसेल्फ लीड द इन्वेजन ऑफ साउथ। इवन देन डिस्पाइट एनॉर्मस डिफिकल्टीज द मराठास एमर्ज विक्टोरियस इन दिस स्ट्रगल। तो जैसे कि यहाँ पे साउथ में औरंगजेब जो था, इसका इन्वेजन हो रहा था, वो यहाँ पे क्या हो रहा था, जो ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी है उसको जीतने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी मराठास ने क्या किया था, यहाँ पे स्ट्रगल किया था। दिस वॉर इज एन एग्जिस्टिंग एंड ग्लोरियस पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और एक काफ़ी जाना माना पीरियड माना जाता है हिस्ट्री का, जिसमें मराठाओं ने ऐसे ही सिचुएशन में भी स्ट्रगल करके क्या की थी, जीत हासिल की थी। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और इस लेसन में हमें यही सीखना है कि किस तरीके से ये इंडिपेंडेंस के लिए जो वॉर हुआ था, ये पूरी तरीके से हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। द वर्ड मराठा यूज हेयर मीन्स द पीपल हु स्पीक मराठी। तो जो मराठा ये वर्ड यूज़ किया जाता है किसके लिए, जो लोग मराठी बोलते हैं उनके लिए, और महाराष्ट्रियन पीपल, जो भी महाराष्ट्रियन पीपल है उनके लिए मराठा ये वर्ड यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर दिया है छत्रपति संभाजी महाराज, इनका छत्रपति संभाजी महाराज, तो उनके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमें दी है। संभाजी महाराज वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ शिवाजी महाराज, तो ये उनके बड़े बेटे थे जिनका नाम था संभाजी महाराज। ही वॉज बॉर्न ऑन 14 May 1657 ऑन दी पुरंदर फोर्ट। तो इनका जन्म कब हुआ था, 14 May 1657 में पुरंदर फोर्ट के ऊपर। आफ्टर शिवाजी महाराज ही बिकेम द छत्रपति, और शिवाजी महाराज की डेथ होने के बाद संभाजी महाराज छत्रपति बने थे। एट दिस टाइम द मराठास वेयर बैटलिंग अगेंस्ट द मुगल्स, और इस टाइम जो मराठास थे ये मुगल्स के खिलाफ लड़ रहे थे। ड्यूरिंग द सेम पीरियड एम्परर औरंगजेब सन शहजादा अकबर रिबल्ड अगेंस्ट हिज फादर, और उसी समय जो औरंगजेब का बेटा था जिसका नाम था शहजादा अकबर, ये अपने पिता के खिलाफ ही वहाँ पे क्या कर रहा था, रिबेल, मतलब उनके अगेंस्ट जा चुका था। द एम्परर क्रश हिज रिबेलियन, और एम्परर जो बादशाह था औरंगजेब, ये चाहता था कि उसके जो रिबेलियन, मतलब जो उसने उसके अगेंस्ट खिलाफ उसके हुआ है, उसे क्या करना है, वहाँ पे रोकना है। देन अकबर केम टू द डेक्कन टू टेक शेल्टर विद संभाजी महाराज, और यहाँ पे जो अकबर था इसने क्या किया, डेक्कन में आके संभाजी महाराज के यहाँ पे, मतलब उनकी छत्रछाया में वो आ चुका था। देन द एम्परर हिमसेल्फ डिसेंडेड ऑन द साउथ इन 1682 CE टू वैंकिश अकबर। तो यहाँ पे जो एम्परर ये खुद सोच लेता है कि उसे क्या करना है, जो अकबर उसके खिलाफ गया है उसे यहाँ पे वैंकिश करना है, मतलब उसका जो भी यहाँ पे युद्ध है या फिर उसके खिलाफ जो भी काम कर रहा है उसे क्या करना है, ख़त्म करना है। ही हैड विथ हिम अ ह्यूज आर्मी हैड अ पावरफुल आर्टिलरी, और वो अपने साथ यहाँ पे काफ़ी बड़ी आर्मी और पावरफुल आर्टिलरी लेके आता है, जो तोहफे वगैरह होते हैं युद्ध के लिए वो सब अपने साथ लेके आता है। ही आस्क द सिद्दी ऑफ जंजीरा टू अंडरटेक एन एक्सपीडिशन अगेंस्ट द मराठास, और यहाँ पे वो सिद्दी, जो जंजीरा के सिद्दी थे, उन्हें ये कहता है कि वो उनका साथ दे मराठास के खिलाफ। ही ऑल्सो वोन ओवर द पोर्तुगीज टू ही साइड, वो क्या करता है, जो पोर्तुगीज थे उनके उनकी जो भी टेरिटरी होता है, जो भी प्रदेश होता है, उसको भी जीत लेता है। कॉन्सिक्वेंटली संभाजी महाराज हैड टू फेस मेनी एडवर्सरीज एट वन एंड द सेम टाइम, और उस टाइम संभाजी महाराज के लिए काफ़ी सारे तरफ से क्या होती है, यहाँ पे मुश्किलें बढ़ चुकी थी। द रीन ऑफ संभाजी महाराज मार्क्स द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आफ्टर शिवाजी महाराज। तो आफ्टर शिवाजी महाराज जो युद्ध शुरू हुआ था ये मुगल्स के खिलाफ, ये पहला युद्ध था संभाजी महाराज के लिए।
शिवाजी महाराज हैड गिवन हिम एक्सेलेंट एजुकेशन इन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री कैंपेन्स। तो शिवाजी महाराज ने संभाजी महाराज को काफ़ी अच्छा नॉलेज दिया था इन सब बातों का, जैसे कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर मिलिट्री कैंपेन्स किस तरीके से करने चाहिए, ये पूरा ज्ञान उनको था। संभाजी महाराज हैड बिगेन टू टेक इंटरेस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट एंड द कमांड ऑफ द आर्मी फ्रॉम द एज ऑफ 14 ईयर्स। और इसीलिए जब शिवाजी महाराज उन्हें सिखाते थे तो उसी टाइम से 14 ईयर्स के जब थे उसी टाइम से उन्होंने ये सब काम शुरू किया था। उन्हें काफ़ी इंटरेस्ट था एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर जो आर्मी में कमांड होनी चाहिए, ये कब से थी उनकी, 14 ईयर्स के जब थे वो तब से थी। वाइल ही वॉज स्टील अ प्रिंस ही हैड लेट अटैक ऑन मेनी टेरिटरीज ऑफ द मुगल्स एंड द आदिल शाह। जब वो प्रिंस थे मतलब एक सिर्फ राजकुमार थे, तो शिवाजी महाराज के साथ साथ उन्होंने भी कई सारे टेरिटरीज पे अटैक किया था मुगल्स के और आदिल शाह के। देन फ्रेंच ट्रैवलर एबे कैरी सेज अबाउट हीज बैटल स्किल, इवन दो द प्रिंस इज यंग ही इज करेजियस एंड ब्रेव लाइक हिज फादर वॉज फेमस फॉर। तो जैसे एबे कैरी जो ट्रैवलर थे, फ्रेंच ट्रैवलर, जिन्होंने लिखा था उनके बारे में कि जो छत्रपति संभाजी महाराज है ये भले ही यंग हो, ये सिर्फ यंग राजकुमार है, फिर भी ये काफ़ी करेजियस है उनके फादर की जैसे, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज थे और फेमस थे काफ़ी अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अपने आर्मी के लिए, उनकी जो राजनीति थी उनके लिए वो क्या थे, फेमस थे। तो उनके जैसे ही उनके बेटे संभाजी महाराज भी थे, ऐसे वर्णन जो था या फिर बातें किसने लिखी थी, फ्रेंच ट्रैवलर एबे कैरी ने। वेन संभाजी महाराज बिकेम छत्रपति द वॉर विद द मुगल्स बिकेम फेरेसर। तो देखिए यहाँ पे जब संभाजी महाराज छत्रपति बन चुके थे तो उनके बीच का मुगल्स के अगेंस्ट जो भी उनका वॉर था ये काफ़ी बढ़ चुका था। औरंगजेब वॉन्टेड टू ऑक्यूपाई रीजन फ्रॉम काबुल टू कन्याकुमारी एंड क्रिएट अ ग्रैंड अनफाइट मुगल एम्पायर, यूनिफाइड मुगल एम्पायर। तो औरंगजेब को क्या लग रहा था उस टाइम कि उसे काबुल से लेकर कन्याकुमारी तक जो भी प्रदेश है उसे क्या करना है, जीत लेना है और अपने मुगल एम्पायर को क्या करना है, बड़ा करना है। हीज ड्रीम वॉज टू डिस्ट्रॉय द मराठा स्टेट कम्प्लीटली यूजिंग हीज मिलिट्री एंड फाइनेंशियल प्रोविज। तो यहाँ पे उसने क्या सोचा था, उसका ये ड्रीम था, उसका सपना था कि मराठास को डिस्ट्रॉय करना है, अब उनकी जो मिलिट्री है, मिलिट्री और फाइनेंशियल जो पावर थी उनके, उनके साथ उसे क्या करना था, मराठास को डिस्ट्रॉय करना था। बट संभाजी महाराज शैटर हिज ड्रीम्स विथ हिज ब्रेवरी एंड मिलिट्री स्किल। लेकिन संभाजी महाराज ने क्या किया था, उसके सपने को पूरा चकनाचूर कर दिया था अपनी ब्रेवरी के कारण और उनकी मिलिट्री स्किल्स के कारण। ट्रूप्स ऑफ द मराठा आर्मी अटैक मेनी ऑफ द मुगल टेरिटरीज। और जो मराठा आर्मी के ट्रूप्स मतलब सैनिक थे, उन्होंने काफ़ी सारे मुगल टेरिटरीज पे अटैक कर दिया था। दो द एम्पायर्स जनरल ट्राइड वेरी हार्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे कुडंट विन द मराठा फोर्ट ऑफ रामसेज नियर नासिक। और इसके कारण ही क्या हुआ था कि जो मुगल थे वहाँ पे या फिर जो एम्पायर्स के जनरल थे वो ज़्यादा देर तक उनके पास मराठा के सामने नहीं टिक पाए और जो रामसेज नियर नासिक के पास जो रामसेज फोर्ट था उसे वो नहीं जीत पाते हैं। दस संभाजी महाराज वैल्यूअर ब्रॉट औरंगजेब टू हीज नीज। इनके कारण, संभाजी महाराज के कारण इन्हें औरंगजेब जो था उसे यहाँ पे जीत नहीं हासिल हो पाती है। वंस ही रिमूव हीज टर्बन इन फ्रस्ट्रेशन एंड थ्रू इट ऑन द फ्लोर। और यहाँ पे जब औरंगजेब को पता चलता है कि उनकी हार हुई है, किस तरीके से संभाजी महाराज उनके अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, वॉर कर रहे हैं, तो इसके कारण वो टर्बन मतलब जो पगड़ी होती है, जब उस टाइम बादशाह जो लोग जो पहनते थे पगड़ी, उसे वो ज़मीन पे फेंक देता है फ्रस्ट्रेशन में, इतना उसे क्या होता है, गुस्सा आ जाता है। ही मेड अ वो दैट अंटिल ही हैड वैंकिश संभाजी ही वुड नॉट वियर हिज टर्बन। तो यहाँ पे वो क्या सोच लेता है, एक वो क्या करता है, प्रतिज्ञा करता है कि जब तक मैं संभाजी महाराज को मार नहीं देता, उनको पूरी तरीके से उनके प्रदेश को, स्वराज को या फिर उनको ख़त्म नहीं कर देता, तब तक मैं ये पगड़ी नहीं पहनूंगा। संभाजी महाराज हैड रेंडर औरंगजेब हेल्पलेस टू दिस एक्सटेंट। तो उसके बाद क्या होता है ये हमें देखना है। डू यू नो, मैं आपको दिया है यहाँ पे, औरंगजेब थॉट दैट वंस द मराठा फोर्ट्स वेयर कैप्चर देयर रूल टू। तो औरंगजेब ये सोच के चलता है कि एक बार उनके फोर्ट्स, मराठास के जो फोर्ट्स है, किले हैं, उनको अगर कैप्चर कर लेंगे तो समझो कि सारे रूल हमारे हाथ में आ जाएंगे और वो यहाँ पे सब खत्म हो जाएंगे। सो ही पुट अ सीज अराउंड रामसेज फोर्ट नियर नासिक। और जब उन्हें रामसेज फोर्ट नहीं मिलता है तो वो लोग वहाँ पे घेराव डाल के बैठते हैं रामसेज फोर्ट के अराउंड।
औरंगजेब्स आर्मी वॉज ह्यूज, औरंगजेब के पास जो सैनिक थे जो आर्मी थी काफ़ी बड़ी थी। द मराठा आर्मी वॉज स्मॉल, लेकिन जो मराठा सैनिक थे उनकी आर्मी जो थी वहाँ पे काफ़ी कम थी। बट दे फॉट विद प्रिजर्वेंस, लेकिन फिर भी वो काफ़ी बहादुरी से वहाँ पे लड़ रहे थे। द सीज कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, और वहाँ पे जो सीज उन्होंने डाला हुआ था औरंगजेब के आर्मी ने वो 5 सालों तक वहाँ पे था। दिस ब्रेवरी ऑफ ए हैंडफुल मराठा सोल्जर्स वॉज अनपैरेलल्ड। तो देखिए किस तरीके से हैंडफुल मतलब काफ़ी गिने चुने ही लोग वहाँ पे थे फोर्ट के ऊपर, मराठा सरदार मराठा सोल्जर्स, लेकिन फिर भी उन्होंने 5 सालों तक उनको क्या किया था वहाँ पे रोक के रखा था। दिस रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई द मराठाज मेड औरंगजेब रियलाइज द डिफिकल्टी ऑफ फाइटिंग विद देम, और इस बात से फिर औरंगजेब को ये रियलाइज होता हो जाता है कि मराठाज के साथ फाइटिंग करना इतना आसान नहीं है, काफ़ी सारी डिफिकल्टीज उनको वहाँ पे आ रही थी। कैंपेन अगेंस्ट द सिद्दी ऑफ जंजीरा यूज टू हैरास द पीपल इन दी मराठा टेरिटरी, और यहाँ पे जो जंजीरा की सिद्दी थी ये लोग क्या करने लगे थे, मराठा टेरिटरी जो प्रदेश थे वहाँ के लोगों को हैरास मतलब परेशान करने लगे थे। ही यूज टू रेड बर्न एंड लूट द मराठा टेरिटरी एंड कमिट एट्रोसिटीज, तो ये क्या करने लगा था वहाँ पे जो फार्मर्स थे उनके खेतों को नुकसान पहुँचाने लगे थे, उनके जो घर थे उन्हें जलाने लगे थे, और वहाँ पे जो भी उन्होंने फार्म में जो भी उनके ग्रेन्स वगैरह निकलते थे वहाँ पे क्या करते थे लूट के लेके जाते थे। सभासदा हैज डिस्क्राइब हिम एज अ रैट इन दी हाउस, संभाजी महाराज स्टार्टेड अ कैंपेन अगेंस्ट हिम इन 1682 CE, और इसके कारण यहाँ पे संभाजी महाराज ने उनके अगेंस्ट एक कैंपेन किया था इन 1682 में। हिज आर्मी लेड अ सीज टू सिद्दीस दंद राजपुरी फोर्ट एंड बैटर द फोर्ट ऑफ जंजीरा विद दी आर्टिलरी, और इसके लिए संभाजी महाराज ने क्या किया था सिद्दीस का जो फोर्ट था दंड राजपुरी वहाँ पे घेराव डाल के रखा था, और यहाँ पे अपने साथ क्या जो आर्टिलरी थी फोर्ट ऑफ जंजीरा विद द आर्टिलरी वहाँ पे क्या किया था उन्होंने अपने तोहफों के साथ उनका वहाँ पे घेराव डाला था। बट एट द सेम टाइम द मुगल आर्मी इन्वेडेड स्वराज, लेकिन उसी टाइम क्या हुआ था कि स्वराज में मुगल आर्मी ने इन्वेड कर दिया था, वहाँ पे घुसना शुरू कर दिया था, जिसके कारण क्या होता है संभाजी महाराज हैड टू अबैंडन द जंजीरा कैंपेन एंड टर्न बैक, और इसीलिए उन्हें जंजीरा का जो कैंपेन था वहाँ पे अधूरा छोड़ के फिर वापस आना पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कैंपेन अगेंस्ट द पोर्तुगीज, द पोर्तुगीज ऑफ गोवा ज्वाइन हैंड्स विद द एम्परर अगेंस्ट संभाजी महाराज, जो गोवा के पोर्तुगीज थे उन्होंने संभाजी महाराज के खिलाफ जो बादशाह था एम्परर था औरंगजेब उसके साथ हाथ मिला लिया था। सो संभाजी महाराज डिसाइडेड टू टीच अ लेसन टू द पोर्तुगीज, जिसके कारण संभाजी महाराज डिसाइड करते हैं कि इन्हें अभी लेसन सिखाना ही होगा। ही अटैक द रेवदंडा फोर्ट ऑफ द पोर्तुगीज इन 1683 CE, और इसी कारण पोर्तुगीज का जो रेवदंडा फोर्ट था उसके ऊपर संभाजी महाराज अटैक करते हैं। टू काउंटर दिस द पोर्तुगीज लेड अ सीज टू द फोंडा फोर्ट ऑफ द मराठास ऑन द गोवा बॉर्डर, और इसके कारण फिर पोर्तुगीज क्या करते हैं जो मराठास का फोर्ट था फोंडा फोर्ट जो कि गोवा बॉर्डर पे था उसके अराउंड वो क्या करते हैं घेराव डाल के रखते हैं। द मराठास ब्रोक थ्रू द सीज एंड अटैक गोवा, लेकिन जो मराठास होते हैं ये उस सीज को उस घेराव को तोड़ के गोवा के ऊपर क्या करते हैं अटैक करते हैं। इन दिस बैटल एसाजी कंक शो ग्रेट वैल्यूर, तो इनमें सबसे ज़्यादा आगे कौन थे एसाजी कंक जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। द पोर्तुगीज गवर्नर गॉट वुंडेड एंड रिट्रेटेड, और यहाँ पे पोर्तुगीज जो गवर्नर था ये जख्मी हो जाता है। संभाजी महाराज फॉलो हिम, और उसके बाद संभाजी महाराज उसे क्या करते हैं फॉलो करते हैं। द पोर्तुगीज वेयर इन डीप ट्रबल, और इसके कारण पोर्तुगीज वहाँ पे काफ़ी बड़े ट्रबल में फंस जाते हैं। At this time, Sambhaji Maharaj got the news that the Mughal and had attacked South Konkan. और तभी संभाजी महाराज को ये न्यूज़ मिलती है कि मुगल्स ने कोकन में साउथ कोकन में क्या किया है अटैक किया है। Therefore, he had to abandon the winning campaign of Goa and return to fight with the Mughal. और यहाँ पे जो जीत उन्हें मिल रही थी गोवा का जो कैंपेन था वहाँ पे उनको अप्रोक्सीमेटली वहाँ पे विन वो हो ही चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें वहाँ पे क्या करना पड़ता है फिर से वापस आना पड़ता है अपने स्वराज को बचाने के लिए। नेक्स्ट इज द एंड ऑफ आदिलशाही एंड कुतुबशाही, तो आदिलशाही एंड कुतुबशाही का एंड किस तरीके से हुआ ये हम देखेंगे यहाँ पे। औरंगजेब डिड नॉट सक्सीड इन हिज कैंपेन अगेंस्ट दी मराठा, तो औरंगजेब यहाँ पे बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हो पाता है जो भी उसने कैंपेन किए थे मराठास के अगेंस्ट।
देयरफॉर ही सस्पेंडेड दैट कैंपेन. तो वो क्या करता है, अपने जो मुहिम जो कैंपेन थे उनको सस्पेंड कर देता है वहाँ पे. एंड देन ही टर्न्स टूवर्ड द किंगडम्स ऑफ आदिल शाह एंड कुतुब शाह एंड कॉन्कर देम. और वो क्या करता है, मराठास के अगेंस्ट का जो भी मुहिम था उसे स्टॉप कर देता है. और उसके बाद कहाँ पे टर्न हो जाता है, वो जो आदिल शाह और कुतुब शाह की किंगडम्स थी वहाँ पे, एंड उन्हें वो जीत भी लेता है. द वेल्थ एंड आर्मी ऑफ बोथ द किंगडम्स वॉज नाउ एक्वायर्ड बाई दी मुगल्स एंड इट मेड औरंगजेब इवन स्ट्रॉन्गर. तो जैसे कि यह प्रदेश, जैसे कि कुतुब शाह और आदिल शाह को जीत लिया जाता है, तो उनकी जो आर्मी है वो भी औरंगजेब के आर्मी में मिल जाती है. उसके कारण औरंगजेब अभी और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है. देन ही कॉन्सेंट्रेटेड ऑल हिज माइट ऑन डिफीटिंग दी मराठास. और उसके बाद वो कॉन्सेंट्रेट करता है मराठास को डिफीट करने के लिए. ही अटैक देयर टेरिटरी फ्रॉम ऑल साइड्स. और यहाँ पे ये एम्परर क्या करता है कि जो मराठास की टेरिटरी थी उसके सारे बाजुओं से वो क्या करता है, अटैक करना शुरू कर देता है. द मराठा आर्मी जनरल हंबीराव मोहिते गॉट किल्ड ड्यूरिंग एन एनकाउंटर विद दी मुगल आर्मी. और इसी वॉर के बीच में जो मराठा के आर्मी जनरल थे हंबीराव मोहिते, ये मारे जाते हैं. ड्यू टू दिस ब्लो द मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ संभाजी महाराज वॉज वीकन. और जिसके कारण जो संभाजी महाराज की मिलिट्री थी उनकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि उनके जो आर्मी जनरल थे वो यहाँ पे मारे जाते हैं. तो देखिए स्टूडेंट, इस लेसन में काफ़ी जानकारी हमें मिलने वाली है आगे भी, लेकिन जो लेसन का रिमेनिंग पार्ट है वो देखेंगे हम सेकेंड पार्ट में. तो उस पार्ट को भी ज़रूर देखिए, तभी ये पूरा लेसन आपको अच्छे से समझ में आएगा. ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए.